नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। भारी वाहनों की ट्रेनिंग के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर, हजारीबाग में खुला झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल। झारखंड के हजारीबाग जिले में कल शुक्रवार को झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये जिले के पहला ट्रेनिंग स्कूल है जहां दूसरे राज्यों के लोगों को भी भारी वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब भारी वाहन के चालकों को ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल, अति विशिष्ट RTA छोटा नागपुर रवि राज शर्मा, विशिष्ट अतिथि DTO विजय कुमार ने शुक्रवार को झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया। यह हजारीबाग का पहला ट्रेनिंग स्कूल है। यहां झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को भी भारी वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाबूलाल मरंडी ने कहा, साबरमती के तर्ज पर विकसित होगा तिरिल आश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को ध्रुवा रांची में हुआ। सामाजिक संस्था स्नेह फाउंडेशन की ओर से छोटा नागपुर खादी ग्रामो उद्योग संस्थान तिरिल आश्रम यह योजना हुआ। इसमें गांधी दर्शन कार्यक्रम 2021 के तहत संगोष्ठी सह राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1947 को हमें अंग्रेजों से 200 वर्षों की गुलामी से आज़ादी मिली। ये सब कुछ हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने त्याग तपस्या और बलिदान की बदौलत संभव हो सका। इसकी याद पर भारतीय के मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। स्वतंत्र दिवस के एक दिन के त्यौहार नहीं है, ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बाबूराम मंडी ने कहा कि तिरिल आश्रम साबरमती आश्रम की तर्ज पर हो सके। झारखंड में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देगी SIDBI अभियान से बिहार और असम भी जुड़े। झारखंड में सखी मंडल की महिलाएं बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के रूप में प्रशिक्षित होकर पंचायतों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अब इस कार्य को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के साथ मिलकर और गति दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने गुरुवार को SIDBI के साथ मिलकर एक कार्यक्रम लॉन्च किया। SIDBI द्वारा ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के अलावा बिहार एवं आसाम को भी जोड़ा गया है। झारखंड में उफान पर गंगा साहेबगंज के दियारा क्षेत्र जलमग्न, मचान पर जिंदगी काटने के मजबूर। झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज, जिसके 83 किलोमीटर क्षेत्र से होकर मां गंगा की निर्मल धारा बहती है। गंगा इन दिनों उफान पर है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दियारा क्षेत्र में खेत खलियान डूब गए हैं। लोग मचान पर जिंदगी काटने पर मजबूर हैं। कल शुक्रवार को गंगा खतरे के निशान से 27 मीटर 25 सेंटी से 1 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग पटना की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन नहीं हो सकेंगे शामिल, जारी गाइडलाइंस। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। इसे लेकर झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड मुख्यालय व थाना परिसर में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए समारोह में 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। गिरिडीह के बगाडोर में झंडोत्तोलन को लेकर समय सारणी भी तय की गई है। इसमें प्रखंड मुख्यालय में सुबह 8:15 बजे, थाना परिसर में 8:30 बजे, पंचायत भवन जरमुन्ने में पूर्व 9:15 बजे और पशुपालन कार्यालय में 8:50 बजे में, स्वास्थ्य केंद्र बगोदर में 9:00 बजे, बगोदर सरिया अनुमंडल कार्यालय में 9:00 बजकर में झंडा फहराया जाएगा। मनरेगा आयुक्त ने कहा, एक सप्ताह के अंदर किया जाए सभी शिकायतों का निष्पादन। मनरेगा के संबंध में आई शिकायतों के निष्पादन एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक की। मनरेगा आयुक्त ने सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक कर शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि अब तक जितनी भी शिकायतें CP ग्राम ओवन समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है उनका निष्पादन एक सप्ताह के अंदर हो जाए। झारखंड में राज्य स्तरीय पदों पर अब सिर्फ 1000 होगी परीक्षा, PTA हटाया गया।
झारखंड में अब राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति परीक्षा सिर्फ एक बार होगी, यह मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। सरकार ने पीटी परीक्षा को हटा दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा दसवीं स्तर तक संचालन संशोधन नियमावली 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पदों के लिए 22 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होना होगा। 15 अगस्त को दुमका की पुलिस लाइन में राज्यपाल रमेश बैस करेंगे झंडोत्तोलन। राज्यपाल रमेश बैस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुमका की पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर पुलिस लाइन को सजाया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस लाइन से फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राज्यपाल के आगमन को लेकर के वाहन मूवमेंट, सुरक्षा व्यवस्था, झंडोत्तोलन हुआ। परेड की सलामी काफी रिहर्सल की गई है। कार्यक्रम कोविड के गाइडलाइन के तहत किए जाएंगे। बच्चों और बुजुर्गों को कार्यक्रम में आने पर रोक है। झारखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चुनाव की घोषणा जल्द। झारखंड फेडरेशन ऑफ चैम्बर के भीतर चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। जल्द ही कर्मचारिणी की बैठक हो सकती है। चैम्बर नियमों के मानो तो वार्षिक ऑडिटिंग रिपोर्ट्स कार्यकारिणी में पास होने के बाद ही चुनाव की घोषणा की जाती है। इस साल कोविड संक्रमण सामान्य रहने पर चैम्बर 25 सितंबर तक चुनाव कराने की तैयारी में है। पिछले साल कोरोना के कारण चैम्बर ने आपसी सहमति से अध्यक्ष का चुनाव किया था। तकनीकी दक्ष युवाओं को मिलेंगे 7,500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि, है पूरी जानकारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 5 से 7 साढ़े 7,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त सूरज कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें योजना 2020-21 के संबंध में चर्चा की गई। इसके योजना के क्रियान्वयन का खाका खींचा गया। रांची के मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कितने लोग होंगे शामिल, गाइडलाइन जारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मुख्य समारोह के आयोजन के लिए प्रतिदिन जवान मोराबादी में परेड का रिहर्सल कर रहे हैं। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। 15 को यहां मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। कोरोना महामारी के संभावित खतरों को देखते हुए इस बार भी समारोह का आयोजन छोटे स्तर पर किया जाएगा। यहां आने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। लोगों को भीड़ कम से कम हो सके इसके लिए मात्र 1,000 लोग की समारोह में भाग लेंगे। 60 साल से ऊपर अधिक उम्र बुजुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस समारोह में नहीं लेंगे भाग। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सबके प्रयास से कोविड पर पाया काबू, अब सामान्य हो रही स्थिति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य ने सबके समृद्ध प्रयास से कोविड पर काबू पाने में कामयाबी पाई, अब स्थिति सामान्य हो रही है। वे गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से मुखातिब थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 साल में वैश्विक बीमारी के फैलाव से कोई भी अछूता नहीं रहा। पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज भी संक्रमण प्रभावी है और वर्तमान स्थिति में अब क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। अब राज्य में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने पर ही मिलेगी सचिवालय में नौकरी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड के सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों में नौकरी के लिए अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मैट्रिक तथा इंटर झारखंड से ही पास करना होगा। झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने एवं यहां के रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी राज्य के स्कूल कॉलेज से मैट्रिक इंटर पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड में नौकरी मिलेगी। दूसरे राज्य से इंटर मैट्रिक पास करने वाले को राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही झारखंड के रहने वाले हो। अन्नपूर्णा देवी को आगे कर ओबीसी कार्ड खेलेगी भाजपा। झारखंड में जन आशीर्वाद यात्रा के राजनीतिक मायने। सामान्य तौर पर जातिगत राजनीति से दूरी बनाने वाली भाजपा ने अब भी झारखंड में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आगे कर ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा और 9 जिलों में उनके भव्य स्वागत की तैयारी को ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। कोडरमा, हजारीबाग, रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो समेत ये सभी ऐसे जिले हैं जहां ओबीसी आबादी अधिक है। बता दें, झारखंड में अब तक भाजपा के किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए यात्रा नहीं निकाली गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तो पहले ही कैबिनेट के विस्तार में शामिल किए गए थे, लेकिन अब तब भी ऐसा नहीं किया गया था। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। सड़कों से हटेगी पुरानी गाड़ियां, कम होगा प्रदूषण, पीएम मोदी ने दिए बड़े ऐलान।
गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्य को सिद्ध करने की दिशा में एक कदम और है। आज को लॉन्च हो रहा है ये भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी कचरे से कंचन की अभियान की एक अहम कड़ी है। 1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, सरकार ने किया बैन। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं हो सकेगा। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है और बताया कि यह योजना छोटे व्यापारियों को प्रभावित न करे और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरों को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 500 माइक्रोन बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का फैसला लिया है। ये 39 जातियों ओबीसी में होगी शामिल, बिल पास होते ही योगी सरकार ने की तैयारी। संसद के दोनों सदनों में ओबीसी जातियों से संबंधित संविधान संशोधन के पास होते ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सक्रिय हो गए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओबीसी वोटरों को ध्यान में रखते ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों ने भी ओबीसी वोटरों को साधने की पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि संसद में काफ़ी हंगामेदार रहे मानसून सत्र के दौरान ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद अन्य राज्यों के पास अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। हवाई किराए में सरकार ने की भारी बढ़ोतरी, जाने किस उड़ान में लगेगा कितना किराया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से बढ़ा करके 12.82% तक की वृद्धि की है, जिसमें घरेलू यात्रा और महंगी हो जाएगी। इससे पहले कोविड-19 की वजह से लगे 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 5 मई 2020 को विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ सरकार ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमाएँ लगाई है। बाढ़ से बदहाल बिहार में गहरी नींद सो रही है सरकार, पलायन को मजबूर हुए लोग। बिहार में इन दिनों बाढ़ की भीषण त्रासदी ने पूरा मंजर दर्दनाक बना दिया है। कई स्थानों पर लोगों को आशियाना डूब चुका है। ऐसे में लोग जैसे तैसे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश है, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रहा है। पीएम को पत्र लिखकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की जातिगत जनगणना की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना की मांग की। बकौल यादव, जातिगत जनगणना नहीं कराई तो वंचित उपेक्षित गरीब जातियों की शैक्षणिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री की मुलाकात कराने की आश्वासन दिया था। 15 अगस्त को किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस के रूप में मनाएंगे प्रदर्शनकारी किसान। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि देश भर में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। वहीं किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा 26 जनवरी के घटनाक्रम ने हमारे आंदोलन को बदनाम किया था। तमिलनाडु सरकार ने की पेट्रोल की कीमत 3 रुपये लीटर कम करने की घोषणा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने शुक्रवार को बजट सत्र में पेट्रोल पर राज्य उत्पाद शुल्क से 3 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। राज्य में पहली बार ई बजट पेश करते हुए त्यागराजन ने सरकारी महिला कर्मियों को 12 महीने के मातृत्व अवकाश और जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए 500 करोड़ की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, बताए इनके लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर युवाओं व स्टार्टअप्स के इस नीति से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इसके लाभ बताते हुए कहा पुराना वाहन स्क्रैप करने का एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके आधार पर नया वाहन खरीदने पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा और रोड टैक्स भी कुछ छूट दी जाएगी। स्टार भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास,
दूसरे देश के लिए खेलेंगे। अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले उन्मुख चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्मुक्त ने यह फैसला अमेरिका में क्रिकेट खेलने के लिए लिया है। इससे पहले उनके साथी खिलाड़ी रहे स्मित पटेल भी भारतीय क्रिकेट छोड़कर अमेरिका चले गए थे। उन्मुक्त को अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था। स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले पूरे भारत में अलर्ट, पीओके में आतंकी सक्रिय। स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पहले पूरे भारत में दो दिन का अलर्ट जारी किया गया है। एजेंसियों को सूचना मिली है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी 15 अगस्त को बड़ी साजिश के अंजाम दे सकते हैं। लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों आतंकी संगठन को इसके लिए पूरी छूट मिली है। लश्कर के 6 आतंकी मोहम्मद सादिक के नेतृत्व में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छुपे हुए हैं। वही जैसे मोहम्मद के भी 5 आतंकी पीओके में। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।